कभी कभार हम गुस्से में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि बाद में हमारी पूरी लाइफ के लिए रिग्रेट बन जाते हैं। आज की हमारी मूवी एक ऐसी ही स्टोरी पर है जो कि 2013 में आई ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 97 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इसको डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने और यह मूवी 2008 में आई चेतन भगत की नॉवल 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड है। इस मूवी के लीड रोल में हमें नजर आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, अमित सत और राजकुमार राव। इस मूवी की स्टोरी तीन फ्रेंड के आसपास घूमती है जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी स्पोर्ट्स अकेडमी, जिसे कि चलाकर वो अपनी लाइफ में कुछ बड़े ड्रीम्स पूरे कर सके। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की स्टार्टिंग होती है स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड से, जहां पर हम डिफरेंट प्लेयर को देख सकते हैं जो अपने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं। उन सब प्लेयर्स के बारे में हमें गोविंद, जिसका रोल इस मूवी में राजकुमार राव ने प्ले किया है, को दिखाया जाता है। वो कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को अपनी स्पोर्ट्स अकेडमी के बारे में बता रहे होते हैं। वो अली हाशमी के बारे में भी बताते हैं जो कि बहुत जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ओमी को दिखाया जाता है जो बहुत सारी अपनी पुरानी फोटोज वॉल से निकालते हुए दिखाए जाते हैं और ये देखकर हमें पता चलता है कि वो किसी क्राइम के चलते जेल में बंद थे और उस दिन उनको रिलीज किया जा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि गोविंद ओमी को लेने आया होता है और तभी वो कार में बैठे बैठे गोविंद से पूछता है कि ईशान क्यों नहीं आया, और तभी कार में चल रहे रेडियो पर क्रिकेट की कॉमेंट्री चल रही होती है। उसे सुनकर ओमी अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर ईशान यानी कि सुशांत सिंह राजपूत और ओमी मैच देख रहे होते हैं और गोविंद ईशान के पापा से उनकी स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने के लिए 40,000 रुपीज का चेक लेता है। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईशान के कुछ ना करने पर उसके पापा हर टाइम उसे डांटते रहते हैं और गोविंद को दिया हुआ चेक भी वापस ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ईशान आगे चलकर लाइफ में कुछ कर पाएगा। अब जब ईशान और उसके पापा में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो वो अपने घर से जाकर क्रिकेट ग्राउंड में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक बच्चे को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते देख ईशान उससे इम्प्रेस हो जाता है। शाम होते ही वहाँ ओमी और गोविंद भी आ जाते हैं और वो ये बातें करने लगते हैं कि उनकी स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इसके बाद ओमी अपने घर पर अकेडमी खोलने के लिए पैसे की बात करता है पर उसके पापा भी इस चीज के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद ओमी की माँ बोलती है कि तुम अपने मामा से बात कर लो, वो ही तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाएंगे। अगले दिन ओमी अपने मामा को अपने बिजनेस का प्लान बताता है और बिजनेस खोलने के लिए जगह की बात करता है। तभी उसके मामा बोलते हैं कि जब उसे दुकान की चाबी चाहिए तब वो उसे ले सकता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उसके मामा उस एरिया के पॉलिटिशियन हैं और वो ओमी को भी अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। तभी ओमी उनको बताता है कि अभी उसका सारा फोकस क्रिकेट अकेडमी खोलने पर है और वो अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहता है। कुछ दिन में ओमी, ईशान और गोविंद उस दुकान को सेट करके उस जगह पर अपनी स्पोर्ट्स अकेडमी और स्पोर्ट्स शॉप खोल लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि ईशान चाहता है कि वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का जो सपना पूरा नहीं कर पाया था वो अपनी अकेडमी के किसी बच्चे को वहाँ तक जरूर पहुँचाएगा। तभी ईशान को अली हसन के बारे में बच्चों से पता चलता है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और ईशान पहुँच जाता है अली को अपनी क्रिकेट अकेडमी में लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अली को क्रिकेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो बच्चों के साथ कंचे खेल रहा होता है। तभी ईशान उसके साथ कंचे खेलने के बाद उससे सारे कंचे जीत लेता है और इस चीज को देखकर अली बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो ईशान को बोलता है कि अगर वो उसकी हर बॉल पे सिक्स मार कर दिखाएगा तो क्या वो उसे उसके जीते हुए सारे कंचे वापस कर देगा। इसके बाद ईशान हाँ में जवाब देता है। फिर वो अली को लेकर प्लेग्राउंड में आ जाता है और तभी ईशान अली को बैट पकड़ाकर बॉलिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अली एक के बाद एक बॉल पर सिक्स मारने लगता है। इस चीज को देखकर ईशान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अगली बॉल डालने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि अली बेहोश होकर गिर जाता है और जब अली को माल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद ईशान डॉक्टर को बोलता है कि उसने उसकी हर बॉल पर सिक्स मारे हैं और तभी डॉक्टर उसे बताती है कि शायद इसका रीजन उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं जो कि उसे एक तरीके से गॉड गिफ्टेड हैं।
इसके बाद ईशान अली को अपने ग्राउंड में ट्रेन कराने लगता है। अब सीन चेंज होता है और यहाँ हमें गोविंद मॉल में एक नई दुकान लेने की बात करता हुआ दिखाई देता है। इस पर ईशान और ओमी पहले तो राजी नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने सारे पैसों का वो लोग कहीं से भी इंतजाम नहीं कर पाएंगे और उन्होंने ये जो अकेडमी अभी अभी चालू करी है इससे भी अभी इतने पैसे आने मुमकिन नहीं थे। लेकिन गोविंद के काफी बोलने के बाद ईशान और ओमी उस शॉप को लेने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन तीनों अपने बिजनेस का प्लान सेट होने की खुशी में पार्टी करने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईशान अली को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसे अली में वो हर चीज़ नज़र आ रही होती है जो उसे एक इंटरनेशनल प्लेयर बना सकती थी। और यहाँ पर ईशान अली को क्रिकेट की सारी छोटी से छोटी बातें बताने लगता है जिससे कि वो अपने खेल में और ज़्यादा सुधार कर सके। अब अगले सीन में ईशान गोविंद से कहता है कि उसकी बहन का मैथ्स का एग्ज़ाम है और क्या वो उसे उसके लिए ट्यूशन दे सकता है और गोविंद इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईशान की बहन गोविंद में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही होती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब अगले दिन जब ईशान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो अली को डांट देता है और तभी अली उसे बोलता है कि आपने क्रिकेट खेल कर क्या कर लिया। इस बात पर ईशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अली को धक्का मारकर गिरा देता है। फिर अली वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद ईशान को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अली को मनाने के लिए उसके घर पर चला जाता है। मूविंग ऑन, अब हम देख पाते हैं कि गोविंद का मॉल में शॉप लेने का जो ड्रीम होता है वो पूरा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ओमी के मामा उसे उस मॉल में शॉप खोलने के लिए पैसे दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट और आता है जब गोविंद और ईशान की बहन क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन वो इस चीज को ईशान को नहीं बताते। अब हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक अहमदाबाद में बहुत तेज अर्थक्वेक आ जाता है और वो इतना ज्यादा तेज होता है कि वहां पर बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा होता है और इसी में एक बिल्डिंग वो भी होती है जहां पर उन्होंने अपनी वो शॉप खोल रखी होती है और इसकी वजह से उनकी वो पूरी शॉप तहस नहस हो जाती है। इससे वो तीनों बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो उनके सपने चूर चूर हो गए। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि वहाँ दो पॉलिटिशियन पार्टी हैं, जिसमें कि एक हिंदू के पक्ष में है और एक मुसलमान के, और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मतभेद चल रहा होता है और वो लोग कभी भी अपने से अपोजिट रिलीजन वाले की मदद नहीं करते हैं। ओमी जो कि अपने मामा के साथ मिलकर सब हिंदू की मदद करता है, वहीं एक तरफ ईशान अली की कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने लगता है क्योंकि ईशान चाहता है कि अली उसके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करे, पर हिंदू सपोर्टिव पार्टी मुस्लिम की हेल्प करने को तैयार नहीं होते। इस बात को लेकर ईशान और ओमी में झगड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ईशान अर्थक्वेक में अली और उसकी कम्युनिटी की मदद करने के लिए जो पैसे उन तीनों ने जमा कर रखे होते हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस बात का पता जब गोविंद को चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। अब ईशान उन दोनों में से किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है। इस पर ईशान की बहन अपने भाई को समझाती है और उसे कहती है कि उन्हें अपने फ्रेंड से माफी मांग लेनी चाहिए। इसके बाद ईशान काफी कोशिश करने के बाद ओमी और गोविंद को मनाने में कामयाब हो जाता है। अब धीरे धीरे सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है जैसे कि भूकंप आने से पहले थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों को एक स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है जिससे कि वो सब खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही इंटर क्लब टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है जहाँ पर ईशान अपने सारे प्लेयरों को तैयार करता है और वहीं दूसरी तरफ ओमी अपने मामा के साथ इलेक्शन के प्रचार में बिजी होता है और एक तरफ मुस्लिम पार्टी भी अपने प्रचार में लगी हुई होती है। तभी ओमी के मामा लोगों को बता रहे होते हैं कि कुछ दिनों बाद शोभा यात्रा शुरू होने वाली है और हिंदुओं के घर से कम एक जना अयोध्या जाएगा और इसके बाद ओमी अपने मदर फादर को वहां भेजने का डिसीजन लेता है। तभी खबर आती है कि ओपोजिशन पार्टी ने ट्रेन में घुसकर आग लगा दी है और उसमें बैठे हुए लोग मारे गए हैं। उस घटना में ओमी के माता पिता भी मारे जाते हैं और यहाँ पर ओमी के मामा डिसाइड करते हैं कि अब उनकी पार्टी भी अपोजिशन पार्टी के लोगों को मार कर ही बदला लेगी। वहीं एक तरफ ईशान अली और उसके फादर को बचाने के लिए अपने घर में चलने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानते और इस वजह से ईशान भी उन्हीं के यहाँ पर रुक जाता है और वो गोविंद को सब कुछ बताकर उसे भी अली के घर पर बुला लेता है। कुछ देर बाद ओमी के मामा वहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर पहुँच जाते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। ईशान अली और उसके फादर को बचाने के लिए
उन्हें छुपा रहा होता है। इसी बीच ईशान को पता चलता है कि उसकी बहन और गोविंद रिलेशन में है और इस बात को लेकर ईशान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गोविंद को मारता है। तभी ओमी वहाँ पर आ जाता है और अली और उसके फादर को मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ईशान अली को बचाने के लिए भाग रहा होता है, तभी ओमी बुलेट फायर कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो बुलेट अली के फादर को न लगते हुए ईशान को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है और हमें प्रेजेंट का वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ओमी और गोविंद कार में बैठे हैं और उसी दिन इंडिया का मैच हो रहा होता है, जिसे देखने के लिए गोविंद, ओमी और ईशान की फैमिली वहाँ पर होते हैं। ईशान की बहन को देखकर ओमी उससे माफी मांगता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईशान का अली को इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाने का सपना पूरा हो जाता है और यहीं पर इस मूवी को खत्म कर दिया। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आप कुछ और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसी ही कुछ आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।